खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन बड़ा मम चौराहा खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा हिंदू नेता अशोक पालीवाल एक गौर परिवार के साथ खंडवा सीएसपी पूनम चंद्र यादव के पास पहुंचे। दरअसल गौर परिवार का ये आरोप है कि उनके परिवार का बच्चा अक्षय गौर जो परेशान था और एक बार नागचून गया, नागचून में उन्हें नूरानी मस्जिद के अली मिले और अपने साथ मस्जिद में ले आए। वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म की बुराई कर मुस्लिम धर्म की तारीफ कर उसे मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया और लगातार उसे मस्जिद में बुलाकर एक कमरे में प्रेरित करते रहे। आपको बता दें धीरे धीरे अक्षय गौर नाम का यह युवक इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर अपना नाम फहीम खान लिखने लगा और जब उसने फेसबुक पर अपना नाम फहीम खान लिखा तब उसके परिवार के जो जानकार हैं उन्होंने इस बात को लेकर परिवार से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आपको बता दें अक्षय गौर का कहना है कि उसे ज़बरदस्ती डरा धमका कर इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित कराया गया और उसे इतना प्रेरित कर दिया गया कि वह इस्लाम धर्म कबूल करने को तैयार हो गया। आइए इस पूरे मामले की जानकारी आपको अक्षय, उसके पिता और हिंदू नेता अशोक पालीवाल इनकी जुबानी सुनवाते हैं। सुनिए पूरा क्या है मामला। और आपको यह भी बता दें पुलिस का कहना है कि मामले में आवेदन लिया है और जांच के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जांच में रखा गया है। पाँच महीने पहले मैं घर से परेशान होकर नागपुर गया था, वहाँ मुझे आलिम मिला और उसने मुझे मेरी परेशानी पूछने लगा, बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ, और मुझे इस्लाम की तरह बातें बताने लगा। बोला इस्लाम में आ जाओ, आपको नमाज पढ़ने लग जाओ, दिल को सुकून मिलेगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं उसकी बातों में आ गया, नमाज पढ़ने शुरू करा, मैंने वहाँ कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। फिर धीरे 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 और वो इस्लाम की मुझे बातें बताते रहे। उन्होंने मुझे जहन्नुम का डर दिखाया, अगर इस्लाम नहीं चले, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर नहीं चले तो जहन्नुम में जाओगे, अगर मान लिए तो जन्नत में जाओगे, वहाँ सब मिलेगा तुमको। उसके बाद सर मैं नमाज रोज़ पढ़ने लगा, घर में पढ़ने लगा, घर वालों को परेशान करने लगा, इस्लाम को प्रोपेगेट करना शुरू किया, रिश्तेदारों को मैसेज पहुँचाने लगा। फिर मैंने फेसबुक पर एक नाम डाल दिया अपना, उन्होंने कहा अपना दूसरा नाम डाल दो, अक्षय गौर को हटा के मैंने मोहम्मद फहीम खान लगा दिया। तो इन्होंने मेरे हिंदू दोस्तों से बात पूछी, फिर महादेवगढ़ के कुछ मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे बुलाया और मेरे काउंसलिंग की, 3 दिन साथ रखा और अपना मेरा ब्रेन ठीक किया। आज क्या किया आपने? आज मैं इनकी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ धर्मांतरण के खिलाफ, और रिपोर्ट हमने सीएसपी ऑफिस में आवेदन दे दिया है कि हम उठाने जा रहे हैं आवेदन। कहाँ के आलिम है, कौन सी मस्जिद के आलिम है? के आलिम है नूरानी मस्जिद छिपा कॉलोनी के। अच्छा, वहाँ के आलिम है जी सर। अच्छा, तो कहीं लेके भी गए थे आपको? नहीं, वो लेके नहीं गए थे, मस्जिद के ऊपर ही कमरा है, वहाँ पर वो बैठ के हम बातें करते थे, वहीं बुला लेते थे। इस्लाम की दीन की बातें करा करते थे। अच्छा, क्या बताते थे आपको? वो बोलते थे इस्लामी एकमात्र धर्म है, केवल इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, ये अल्लाह का धर्म है और ये अल्लाह की राह है, इस पे जो चलेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं चलेगा वो सारे धर्मावलंबी चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, सब जहन्नुम में जाएंगे, आग में दो 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 जग की आग में सड़ेंगे। अच्छा, आपकी एसपी साहब से बात हुई आपकी? जी सर। क्या हुआ? सी एस पी साहब को हमने आवेदन लिखा है, आवेदन दिया है और अभी मुकट थाने जा रहे हैं आवेदन देने। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम है अक्षय गौर। बताइए क्या अपना नाम बताइए, क्या बताऊँ? हाँ, मैं गोविंद सिंह गौर, ये मेरा पुत्र अक्षय गौर, और कभी 5 महीने पहले घटना ऐसी हुई थी कि ये बहुत उद्वेलित हो गया था और इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित लग रहा था और घर में भी इस्लाम की बातें कर रहा था और हमको भी कह रहा था कि पापा आप भी इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो जहन्नुम में जाओगे, जहन्नुम की आग में सड़ोगे पापा, ना मैं आपको बेटा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। और घर पे सभी को ऐसा कहने लगा कि सब लोग इस्लाम कबूल कर लो और नहीं तो सब जन्नत में है, जहन्नुम में जाओगे, इस प्रकार से बातें कर रहा था। और ऊपर हमारे यहाँ एक कमरा खाली है, ये वहाँ चला जाता था और वहाँ नमाज वगैरह पढ़ता था। फिर क्या? और एक दिन ये टोपी लगा के भी घर में आ गया था नमाज पढ़ते हुए। फिर आपने क्या किया? फिर इसने फेसबुक पर जैसे डाला कि मेरा नाम फहीम खान है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और तब सभी को पता चला, तो महादेवगढ़ से मेरे परिचित हैं वो सब आए और विशाल पासी और अलीवाल जी ये सब आए और इसको लेकर के गए।
और 2-3 दिन उन्होंने वहीं रखा, महादेवगढ़ में पूजन अर्चन करवाया, गंगा जल पिलाया, इसका शुद्धिकरण किया। और फिर 3 दिन बाद जब ये थोड़ा ठीक हो के आया घर, तो वापस कहने लगा कि अब मैं वापस हिंदू हो गया हूँ और गलती मानी इसने। और फिर मुझे लगा कि यहाँ इसको डर है, जान का खतरा है शहर में। फिर इसको मैंने अपने इसके मामा के यहाँ इंदौर भेज दिया, 2.5 महीने वहाँ रहा और अब पूरी तरह से ठीक होके वापस हिंदू धर्म को मानने लगा है। और अब मैं इसकी शिकायत करने के लिए आने आया हूँ। इसकी शिकायत करी आपने? ये नूरानी मस्जिद के आलिम की, जिन्होंने इसको प्रेरित किया था। आपका नाम? गोविंद सिंह गौर। तो भाई साहब क्या मामला है पूरा ये जो धर्म परिवर्तन को लेकर? ये कुल मिला के जबरदस्ती प्रभावित करके, डरा के, धमका के, हिंदू धर्म की को बदनाम करके धर्मांतरण का पूरा मामला है। चूँकि गोविंद जी घोर हमारे आचार्य हैं और ये बालक जो है कहीं ना कहीं हमारे संपर्क का है, और जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि इस बालक को इस्लाम की ओर प्रेरित और प्रभावित कोई कर रहा है, तत्काल जैसे ही सूचना एवं जानकारी मिली वैसे ही इस बालक का शुद्धिकरण किया गया। चूँकि बालक बहुत डरा हुआ था, इसलिए ये दिमागी रूप से वापस व्यवस्थित हो जाए, इसलिए इनके पिताजी ने इनको 2.5 महीने के लिए इंदौर भेज दिया था। आज ये वापस आया है, तो वापस आने के बाद इनके पिताजी का फ़ोन आया कि भाई साहब ये कायमी करवाना है, क्योंकि बच्चा आप दिमागी रूप से वापस पूर्णतः स्वस्थ है, इसलिए इसके साथ जो घटना हुई है ये घटना औरों के साथ भी खंडवा में हुई है। ऐसे कई परिवार जिनको कि डर दिखाकर लालच के माध्यम से प्रभावित करके इस्लाम धर्म मुसलमान बना लिया गया है, तो इस प्रकार अगर कोई किसी के साथ घटना होती है, जब एक बच्चा आगे आता है तो हो सकता है कि अन्य परिवार भी आ गया है। यह प्रशासन को चाहिए कि शहर के अंदर इस प्रकार किन किन आलिमों ने और लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया है, इस मामले की पूरी जांच होना चाहिए। और शहर में किन किन लोगों ने किन कारणों से इस्लाम कबूल किया, इस बात का शासन प्रशासन ने पता लगाना चाहिए। बहुत लंबी चेन मिलेगी, बहुत लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं धर्मांतरित हुए हैं। ये धर्मांतरण जहाँ एक पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, देखा होगा आपने कि यूपी में एक बहुत बड़ा रैकेट अभी पकड़ाया था, जो धर्मांतरित किया गया व्यक्ति खुद ही और धर्मांतरण में लगा था, वैसे ही इसका उपयोग किया जाना था। ये इसके परिवार इष्ट मित्रों को भी इस्लाम की ओर प्रभावित करने के लिए निकल पड़ा था। ईश्वर की कृपा रही, महादेवगढ़ के भोलेनाथ की कृपा रही कि इसकी वापसी हुई है, इसकी घर वापसी हुई है। तो हमारा प्रशासन से यही है कि इस प्रकार शहर में और किन लोगों का को इस्लाम की ओर प्रेरित किया गया, इस्लाम कबूल करवाया गया, इसकी जांच की जाए और इसकी कायमी करके उचित और ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की घटना होना बंद हो। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा, खंडवा।